नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के सिंचाई डाक बंगले में। ये वही जगह है जहां सवेरे 7 बजे के आसपास आईपीएस पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर आए थे। प्रकरण वही था कि अनुसरकारी और सिपाही का जो प्रकरण था, जो 4 अक्टूबर को ये मामला हुआ था, जिसको लेकर करके आज वो 2 दिवसीय अनशन पर बैठना था उनको कैंट के सामने। वो यहाँ पर आए और आकर के यहाँ पर फ्रेश हुए। उसके बाद जब प्रशासन को यह पता चला कि अमिताभ ठाकुर साहब यहाँ पर आ चुके हैं, तो उन्होंने इस पूरे डाक बंगले को घेर लिया और उनको नजरबंद कर दिया गया। उनको किसी से बात करने नहीं दी जा रही थी, ना तो जर्नलिस्ट से, पत्रकारों से, ना ही उनके पार्टी के लोगों से बात करने के लिए उनको अनुमति थी। यहाँ पर हर तरफ पुलिस का पहरा लगा हुआ था। उसके बाद एक लंबा जद्दोजहद शुरू हुआ, मान मनोबल के बाद शुरू हुई और प्रशासन इस बात पर अड़ी रही कि आप किसी भी तरह से अनशन नहीं कर सकते हैं, और वो इस बात पर अड़े रहे कि हम अनशन कर करके रहेंगे। जद्दोजहद चलती रही। SDM आए, CO आए, आला अधिकारी यहाँ पर आए। कई दौर की बातचीत होने के बाद अंततः गतवा उनको 1:25 पर गोरखपुर से लखनऊ वापस ट्रेन द्वारा भेज दिया गया। अनशन वो पूरा नहीं हुआ। मीडिया से वो बात नहीं हो पाई। बड़ी मुश्किल से हमने एक्सक्लूसिव उनका उनसे बात करने की कोशिश की, चलते हुए बात करने की कोशिश की। हम आपको वो अंश दिखाएंगे हमारे इस रिपोर्ट के आखिर में। आप वो देखिएगा क्या कुछ उन्होंने 3-3.5 मिनट के अंदर बताने की कोशिश की चलते चलते। हालांकि हर तरफ से प्रशासन का दबाव था कि वो कोई स्टेटमेंट पत्रकारों को ना दें या ऑफिशियल रिलीज नहीं किए, लेकिन उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से मेहनत कर करके हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है। वो आप देखिए आगे क्या होता है। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से EN डेली के लिए। सर क्या कुछ है धरना आपका? रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। रेलवे स्टेशन क्या धरना स्थगित है? नहीं, ऐसा है मुझे रेलवे वहाँ वापस भेज रहे हैं लखनऊ। तो यहाँ का जो धरना हो रहा था वो खत्म कर दिया गया? भाई जब वापस भेज रहे हैं ना आपके सामने, तो हूँ रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ जी। तो अब मैं जब चूंकि प्रशासन का दायित्व बने, उनका वो अपना अधिकार है जी, वो वापस भेज रहे हैं जी। अब वहाँ से जाके मैं अपनी रणनीति तय करूंगा, क्योंकि वर्तमान में तो मैं इनके इनके मैं समझूंगा कि इनके परिधि में हूँ और ये मुझे वापस ले जा रहे हैं। तो ये जो 2 दिन का जो आपका अनशन था वो अभी फिलहाल स्थगित किया जा रहा है? नहीं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है ना, क्योंकि मैं जो कुछ भी है मैं इनके इनके एक तरह से मैं कि आदि अभिरक्षा में ही रहूँ कहा जाएगा, अर्ध अभिरक्षा में हूँ। इसको स्थगित कर दिया गया है आपके? मेरे पास विकल्प नहीं है, क्योंकि आपके सामने सारा कुछ है। तो ये लड़ाई आगे चलती रहेगी? निश्चित रूप से चलती रहेगी। तो ये मतलब आप आगे लड़ाई लखनऊ से आप जारी रखेंगे? जारी रखेंगे। मैं अपना कार्यक्रम बनाऊंगा, मैं पुनः बताऊंगा, और ये लड़ाई चूंकि ये न्याय की लड़ाई है, इसको निश्चित रूप से आगे लड़ेंगे। आज जो आपको नजरबंद किया गया था, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी कि आपको नजरबंद किया गया है? देखिए, ये तो पूर्णतया गलत है। मैं इसको पूरी तरह से अवैध मानता हूँ। अवैध है ये, और ये कष्टप्रद और दुखद भी है कि मेरे जैसे साधारण आदमी को बिना मतलब के इस प्रकार नजरअंदाज किया जाना किसी तरह से सही नहीं है, घोर आपत्तिजनक है। लेकिन जो है उसको उसका मुझे पालन करना है। जो सरकार की ताकत है, जो कर रही है, उसका मुझे पालन करना है। तो अभी ये जो लड़ाई है वो तब तक चलेगी जब तक सिपाही के पक्ष में न्याय नहीं होता है। थैंक यू। ये आप देख रहे हैं अमिताभ ठाकुर साहब को, इनको जो है आज नजरबंद किया गया था। सवेरे 7 बजे ये गोरखपुर आए थे। प्रकरण डॉक्टर अनुज सरकारी और सिपाही का प्रकरण था। इस वक्त आला अफसरों से बात होने के बाद इनको वापस लखनऊ के लिए भेजा जा रहा है। अभी फिलहाल गोरखपुर में जो भी इनका अनशन का कार्यक्रम था वो रोकना पड़ा है। सर, जो अधिकारियों से बात हुई आज, किस तरह की बात हुई, क्या वार्ता हुई? अधिकारियों को भी मेरी समझ में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें जो ऊपर से आदेश मिला वो उन्होंने पालन किया।
मेरा यह मानना है कि आदेश पूरी तरह से सर्वोच्च स्तर से है और अधिकारियों के पास उसका पालन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, वो बिल्कुल यंत्रवत उसका पालन कर रहे हैं। तो क्या आप लीगल प्रोसीडिंग पे जाएंगे क्या? निश्चित रूप से पूरा जो कुछ भी हुआ है वह विधि विरुद्ध है और मैं उसके संबंध में विधिक कार्रवाई करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।